न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर दिखा झंडा तोलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में उपायुक्त ने किया झंडा तोलन। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से रणधीर वर्मा स्टेडियम में झंडा तोलन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें जिले के उपायुक्त संदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार समेत वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये दूसरा प्लाटून CISF का, जिसे लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर रवि धनधस, ये तीसरा प्लाटून RPSF का, जिसे लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर। इसी क्रम में ये तीसरा प्लाटून RPSF का, यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा तथा भारतीय रेल की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। चौथा प्लाटून और अनुशासन, ये नौवां प्लाटून भी NCC गर्ल्स कैडेट का, यह भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो छात्र छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये वन विभाग के द्वारा सुसज्जित थे। धीरे धीरे मंच की ओर छठी झांकी स्वास्थ्य विभाग धनबाद जिला के द्वारा सुसज्जित है। आप सभी उपस्थित सज्जनों से एक विनम्र निवेदन, आप तालियों से इन सभी झांकियों के कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को आप सभी अपनी तालियों से ऊर्जान्वित करें। जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा चौथी झांकी समग्र शिक्षा अभियान JSL PS की झांकी, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान धीरे धीरे मंच के सामने, ये 11वें क्रम पे जो झांकी सुसज्जित है वो टाटा स्टील जामाडोबा के द्वारा यहाँ आप सभी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत है। जी हाँ, ये 11वें क्रम पे टाटा स्टील जामाडोबा के द्वारा सुसज्जित झांकी आप सभी के समक्ष विभिन्न सामाजिक मुद्दों को प्रदर्शित करते हुए, जिस पर निश्चित रूप से हमारा ध्यान आकर्षण होना चाहिए। टाटा स्टील जामाडोबा के द्वारा सुसज्जित झांकी और आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह अवसर अति विशिष्ट है, क्योंकि आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के शुभारंभ की वर्षगांठ मना रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र का अपने 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हम अपने प्रदेश में गए गुरुजनों, स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, भारत के संविधान निर्माताओं के प्यार और बलिदान के कारण इस शासन व्यवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनको अपने श्रद्धा समर्पित करते हैं। आज एक शुभ दिन है, जब एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका आकलन करने का और उसके लिए पुनः एक संकल्प लेने का दिन है। आइए हम सब आज मिलकर यह संकल्प लें कि
राष्ट्र निर्माण में यथाशक्ति अपना जो भी योगदान संभव है पूरी निष्ठा और लगन से अपना सहयोग दें और एक सशक्त और समृद्ध भारत निर्माण में अपना योगदान का निर्वहन करें। विधायक राज सिन्हा ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय में किया झंडारोहण। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम के प्रति संदेश देने का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद के सिटी सेंटर से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक 25 मीटर का तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा निकाला गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया है। 75 मीटर का तिरंगा यात्रा हम लोगों ने पूजा टाकी चौक से लेकर विकार भवन होते हुए सिटी सेंटर होते रणधीर वर्मा पर आकर हम लोग समापन कर रहे हैं। पुष्पांजलि हम लोग देंगे माँ भारती को रणधीर वर्मा पर और इस प्रकार हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो।